नीलगिरी गड़जात राज्य में आज होउछि बाहुडार तृतीय दिन अर्थात आज अधबाटर अटकिथिबा ए शंकराखुंटा पोखरी पाखरे अटकिथिबा रथ सीधासळख जीव श्रीमंदिर निकटकु एवं सेठारे महाप्रभुंकर जो नीतिकांति रहिछि जेमतिकि अधरपणा नीति कहंतु लक्ष्मीनारायणक भेट कथा कहंतु तापरे महाप्रभु गोटी पहंडे विजय करिवे रत्न सिंहासनकु तेणु नीलाद्री विजय उत्सव मध्ये आज अनुष्ठित हेबो तबे ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करिवा मंदिर जे मुख्य पूजक अछंती मो सहित बड़पंडा एवं ता पूर्व आपण देखंतु जे रथ उपरे बरसात हुआ कतुआ तापरे बेरे रथ उपरे धीरे धीरे भिड़ मध्ये जमुची कारण जहाँ कह जाउची जे रथ टणा परंपरा मध्ये बेस न्यारा बेस पुरुणा नीलगिरी मो सहित अछंती मुख्य बड़पंडा आपण ठरो आज्ञा जानिया पई चाहिबु जे जेहेतु आमे देखितुलु श्रीगुंडीचा नीलगिरी गड़जात राज्य में श्रीगुंडीचा तीन दिन धरी अनुष्ठित हुए आज बाहुडा मध्ये आमे देखुचु ठीक से ही भाव में प्रथम दिन ठाकुरंकर पहंडी विजय हला रथारूढ़ हेले द्वितीय दिन रथ अधबाटा आसला शंकराखुंटा पोखरी पर्यंत आज कौन रही नीतिकांति वर्तमान पर्यंत कौन नीतिकांति संपन्न है। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे नीलाद्रौ शंख मध्ये सतदल कमली रत्न सिंहासनस्थम सर्वलंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रजीनं भद्रायं वाम भागे रथ चरण युतं ब्रह्म रुद्रेन्द्र वंद्यं वेदानं सारमीशं सुजन परिवृतं ब्रह्म दारु स्मरामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्रं सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ स्वामी। तो मुख्य कथा होउछि आज प्रभुंकर मंगला आरती सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा इत्यादि रथ उपर जहाँ नीतिकांति संपूर्ण शेष होइछि। आउ रथ चलला बेले ठाकुरंकर बेश परिवर्तन अन्यान्य नीतिकांति रहिछि। तापरे परे रथ पहुँचला परे महालक्ष्मीकर भेट लक्ष्मीनारायणकर भेट वंदापना इत्यादि नीति रही तो राति दसटा समय रे प्रभुंकर श्रीमंदिर विजय रही नीलाद्री विजय रही से समय नीति रही था। आम देखी था जमी श्रीक्षेत्र पुरी रे सेमती इटे अधरपणार नीतिकांति रही केत अनुषित हो केमी कौन ताप विधि विधान रही। हाँ निश्चित से बहुत बड़ कथा अधरपणा से सबू दक्षिण आलती अधरपणा ये सब नीतिकांति रही पहंडी पूर्वर आलती हम आलती पर अधरपणा नीति अच्छी अधरपणा नीति पर दक्षिण आलती हूँ ठाकुर दक्षिण मुड़े रुहति तो यहाँ विभीषण उद्देश्य करा जाए अधरपणा आपणकर जे चिरकुणी कि अन्यान्य रही संप्रदाय उद्देश्य से प्रभु जगन्नाथ देखु विचित्र कथा समस्त जगन्नाथ रही देवता कहतु नर कहतु समस्त एक जगन्नाथ समस्त धर्म नीति मन को छुईला भाया समस्त से रही एकमात्र जगन्नाथ से कलियुगर बड़ ठाकुर होती जगन्नाथ समस्त से अच्छा एटा निश्चित कथा जाना चाहिए जेहतु आज हूँ रथजात्रार अंतिम दिन जहाँ कह बाहुडार शेष पर्याय गड़जात राज्य में ये परंपरा केमती प्रचलित होता आज आम देखु बंची ये कथा कहले श्रीगुंडीचा तीन दिन बाहुडा देखी था तीन दिन अनुष्ठित होता है ये विचित्र महर कर पूरीर व्यवस्था थिला तो दूर रास्ता को गमनागमन सुविधा किसी नाला तो राजा महाराजा मैंने से चिंता कले बारिपदा हूँ नीलगिरी तर सामंजस्य रही से दृष्टि कहले जहाँ पुरी मंदिर को दर्शन कर भक्त मैंने जापरिवे ना तो पुरी मंदिर गले भी बारिपदा नीलगिरी सबुठी भक्त मैंने दर्शन कर सुजोग मिलवा उद्देश्य यह सबू व्यवस्था कर बड़पंडा जो सूचना दौले कहीं गड़जात राज्य जो राज्य जिते राजा कहीं खंजी देते श्रीगुंडीचा तीन दिन और बाहुडा तीन दिन से संपर्क अधिक आलोचना करते मो सहित जन स्थानीय लोक अच्छा आज आपंट रथदाण्डे आम देखु महाप्रभु दर्शन करने महाप्रभु सानिध्य लाभ कले कि ना आम दर्शन कर सारू जेहेतु नीलगिरी गोटे गड़जात राज्य से पूर्व पूर्वर एटी गोटे परंपरा रही तीन दिन धरी रथयात्रा अनुषित होेतु भक्त मान मैंने सुविधापी एवं दर्शन करने कालिया ठाकुर इच्छा मध्य से तीन दिन धरी दर्शन दब मैंने भक्त मानक से तीन दिन धरी तार रथयात्रा अनुषित होते बड़ वर्षापाग सत्वे भी आज भी गहली लगी रही लोक आज शेष दिवस में रथ अधा रास्तु टाणी नहीं जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे बाहुडा जात्रार आज शेष दिवस ठाकुर को पहंडी कर मंदिर को आज मंदिर को विजय करेंगे ठाकुर
ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୁହାଯାଏ ଯେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥ ତୁ ବାମନମ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ଲାଭ କରନ୍ତି? ନା, ଏକଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାଟା ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପଶିପାରୁନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ଷର ଥରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛୁଇଁବେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟାଣିବେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ବର୍ଷର ଥରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦଶ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସିଏ ରଥଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ନୀଳଗିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ବିଗ୍ରହ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଏଠାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଏହି ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକକ ଲାଭ କରି ଫେରୁଥିଲେ। ନୀଳଗିରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ଓ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଓଟିଭି।